नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 PM महाराष्ट्र पे। दोस्तों एक बार फिर से चुनाव चिन्ह का मामला जो है वो अजीत पवार और शरद पवार के बीच गर्माता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि चुनाव चिन्ह का मामला इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में है और वहां पर शरद पवार की तरफ से ये फिर से एक बार जो है दायर किया गया है याचिका की, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कोर्ट की आदेश की अवहेलना जो है अजीत पवार की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि जो घड़ी है चुनाव चिन्ह, उस पर जो है ये कहा गया था कि डिस्क्लेमर देना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। ये बात जो अभिषेक मनु सिंघवी है जो कि कोर्ट में केस लड़ रहे हैं उन्होंने कहा, और इस आदेश का पालन अजीत पवार की जो NCP है वो नहीं कर रही है। और इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि NCP जब अलग हुई थी उसके बाद लगातार जो है वो चुनाव चिन्ह को लेकर के कोर्ट में कानूनी लड़ाई चल रही है और अजीत पवार के पास जो है वो घड़ी जो चुनाव चिन्ह है वो उनको दिया गया है और फिलहाल जो शरद पवार है उनके पास तुतारी बजाता हुआ आदमी जो है वो चुनाव चिन्ह है। उसी पर हमने देखा कि लोकसभा चुनाव जो है वो लड़े गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद शरद पवार की तरफ से ये लगातार कोशिश की जा रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से शरद पवार के पास नया चुनाव चिन्ह है वैसे ही अजीत पवार को भी नया चुनाव चिन्ह दिया जाए, उन्हें घड़ी पर चुनाव लड़ने से रोका जाए। ये लगातार जो है वो कोशिश शरद पवार की NCP की तरफ से की जा रही है और कोर्ट में ये मामला चल रहा है। अब देखिए ये तो विचाराधीन है, अभी ये कानूनी लड़ाई चल रही है, लेकिन अगर ऐसे में ऐसा हो जाता है कि अगर अजीत पवार को नया चुनाव चिन्ह मिलता है तो ऐसे में अजीत पवार के लिए काफ़ी मुसीबत जो है वह खड़ी हो सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बिल्कुल भी अब टाइम नहीं बचा है और शरद पवार जो है NCP उनकी वो लगातार ये डिमांड कर रही है कि जिस तरीके से शरद पवार की NCP को नया चुनाव चिन्ह मिला है वैसे अजीत पवार की NCP को भी नया चुनाव चिन्ह मिले। तो ये विधानसभा चुनाव से पहले ये जो लड़ाई है कानूनी लड़ाई ये बहुत ही अहम हो गई है और जिस पर पूरे महाराष्ट्र की खास तौर पर जो राजनीतिक के जानकार है उनकी नज़र बनी हुई है। आपको बता दें कि अजीत पवार की तरफ से 38 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है, अभी हाल ही में और भी कुछ सीटों पर सूची जो उम्मीदवारों की है वो आ जाएगी। शरद पवार की NCP की तरफ से अभी भी उम्मीदवारों की सूची आना बाकी है क्योंकि MVA गठबंधन में कुछ सीटों को लेकर के अभी भी जो है वो बातचीत चल रही है। लेकिन वहीं बात करें उद्धव ठाकरे की तो उन्होंने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और उसके बाद इंतजार है कि कांग्रेस कब अपने उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी करेगी। तो ये एक पूरा मामला जो है महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर के पूरा गरमाया हुआ है और सबकी नज़रें बार बार सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस लड़ाई पर है कि आखिर फैसला किसके हक में आता है। शरद पवार की NCP की तरफ से जो अभिषेक मनु सिंघवी जो है उन्होंने जो बातें कही हैं उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार से जवाब मांगा है। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में अजीत पवार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इस पर सबकी नज़रें टिकी रहेंगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।